देखिए, कई बार मेरे मन में या मेरे आपकी प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से आती है तो बेटर है। इन्होंने, इनका थैंक्स है प्रदीप कुमार जी का, इन्होंने क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर, बीएड दा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की रखना चाहिए है, वेरी लॉजिक। इसको समझ लें थोड़ा सा कि हमारे पास तीनों यूनिवर्सिटी में तीन मीडियम है। नॉर्मली वो जिनका इंग्लिश है उनको ये वीडियो, इंग्लिश उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही मैंने सुजेस्ट करना है, लेकिन साथ में लॉजिक दूंगा, लेकिन आपको ठीक लगे तो यूज़ अपनाना है, अदरवाइज नहीं। दूसरा आपका हिंदी हो सकता है, ठीक। तीसरा आपका पंजाबी हो सकता है, ये रहा जे पी यू एन जे ए बी आई। तो मैं क्यों कह रहा हूँ वाइट इसको क्यों रखा है कि इसको सुजेस्ट करना है, मान लीजिए आपने फॉरेन जाना है, फॉर फॉरेन जाना है, तो वहाँ पर मीडियम आपका अब डीएमसी या डिग्री पर लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपने फॉर्म में फिल किया है। मेरे कॉलेज में जो सेक्रेट हार्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बरनाला है, वहाँ पर ऐसे जब फॉरेन में स्टूडेंट जाते हैं, कई बार केस आते हैं कि जो बच्चे का जो ये मीडियम कौन सा है, तो वो सर्टिफिकेट पर गलत पंजाबी आ जाता है, तो कहते मैंने पेपर इंग्लिश में दिए थे, पेपर आपने इंग्लिश में दिए हैं और आपका मीडियम पंजाबी लिखा आ गया, हुआ ऐसे क्यों? क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो पंजाबी लिखा था, उन्होंने वहां से उठाना है, आपके सर्टिफिकेट पर चिपका देना है, तो आपको फिल यही करना चाहिए। अब हो सकता है प्रॉब्लम इनको तो नहीं आएगी, दैट इज वाई इनको कैटेगरी से निकाल दिया, ये तो ठीक है, इंग्लिश फॉरेन जाने के लिए है, आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए है, और जो जो मेमोरी स्ट्रेटजी मैंने बतानी है, MOM मेमोरी स्ट्रेटजी बतानी है मैंने, ट्रिक साथ साथ में हर क्वेश्चन को करने का बताना है, अगर आपको ठीक लगेगा आपने यूज करना है, तो वो बेस्ड होगा इंग्लिश के अल्फाबेट्स पर। इंग्लिश के अल्फाबेट्स पर कैसे होगा मैं आगे चल के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेट में भी ये थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की, तो उसकी 9 इंटेलिजेंसेज है ना, तो उसको याद रखने के लिए मैंने एक वर्ड दिया हुआ है, बिस्मिल्ला मिल्ला, हाँ ये नेचर, मिल्ला ये नेचर, नेचर से नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी, बी से बॉडी किन्स्थेटिक इंटेलिजेंस होगी, आई से इंट्रापर्सनल होगी, एस से स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, एम से म्यूजिक एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, ये इंट्रापर्सनल थी, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी, एल से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, ये हो गई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गई, ए सिर्फ मीनिंग का था। तो ये मैंने अब तक मुझे याद है, मैंने क्लास में बस बैठे बैठे वैसे ही करते करते ये बना दिया था कि यार ये बन रहे हैं, तो ए की जगह ई आप लगा लोगे तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हो गई। तो इतने में निमोनिक्स हैं ये, इतने में क्या हुआ, ये अगर पंजाबी और हिंदी में होंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, दैट इज़ वाई इंग्लिश के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेस्ड जो लैंग्वेज है हमारी नहीं है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश को यूज़ कर लेना चाहिए, दैट इज़ वाई इंग्लिश को प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको इंग्लिश ये जो स्टूडेंट है मेन ये वाले के हिंदी ही में ही पढ़े हैं, पंजाबी में ही पढ़े हैं, यार मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मैं बीएड में, मुझे फर्स्ट टाइम बीएड भी, मैंने एमएड में यहाँ चेंज हुआ था, ये स्टोरी बाद में सुनाऊंगा। जो मेरे पास स्टूडेंट होते हैं जो ये थोड़ा सा सोचते हैं, कन्फ्यूज़न होती है यार हिंदी रखूँ या इंग्लिश, है ना, पंजाबी रखूँ या इंग्लिश, जो ऐसा सोचते हैं वो 100% यहाँ पर शिफ्ट कर जाएं, लेकिन एक अपने आप को टेस्ट कर लें हाउस्ड टेस्ट में कि थोड़ा सा वो ऐसे लिख सकते हैं, हिम्मत है, ये ट्रांजिशन पीरियड इसे कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड, एक बार इसको पार कर लिया तो कुछ भी नहीं है इंग्लिश, कुछ भी नहीं। मैं प्योर ऐसे सरकारी स्कूल में जो नर्क था, जहां मैं मतलब बहुत ही बुरा हाल था, वहां पढ़ा हुआ हूं, लेकिन एक टाइम आया कि मुझे इंग्लिश के, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन ही नहीं दी कि जो एमएड है वो इंग्लिश में ही होगी, मैं वहां फंस गया और वहां मेरी जिंदगी चेंज हो गई। तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है, अगर थोड़ी थोड़ा थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं कर लोगे ट्रांजिशन पीरियड में से, तो ये हिंदी से आप इंग्लिश पर और पंजाबी से भी आप इंग्लिश पर आ जाइए। फॉरेन जाना है फिर भी पढ़ते हो, आइल्स सेंटर में देखिए फुल है, कॉलेज खाली पड़े हुए हैं, क्लासेज वहाँ लग रही हैं, तो
ये जरूरी है। अब जो जो जिनकी हिम्मत नहीं है, जो ये फील करते हैं कि नो, जिनको फियर लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं हम कर नहीं कर सकते, उनके लिए सलूशन क्या है? तीन कैटेगरी हो गई। इंग्लिश वाले जो सोचते हैं रखें ना रखें, वो इधर शिफ्ट कर जाएं, ठीक है, अपने आप को ट्राई आउट करें, अगर सक्सेस मिलती है हाउस टेस्ट में, टीचर गाइड करते हैं, हिम्मत होती है तो निकल जाओ। तीसरा, जो डरते हैं बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको क्या करना चाहिए? उनको कम से कम आप फिल बेशक इंग्लिश में कर दो, कोई नहीं पूछता, वैसे कोई नहीं पूछता कि आपने पेपर किस में दिए हैं, सच्चा है ये बात, कोई चेक नहीं करता इसने फॉर्म में क्या फिल किया था। वहाँ पेपर ऐसे चेक होते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि 18 रुपये मिलते हैं, 16 रुपये मिलते हैं या 20 रुपये मिलते हैं, और चेकिंग हमारा क्या हाल है शायद, चलो नहीं बताऊँगा यहाँ, जब आपने तैयारी करनी है ना एग्ज़ाम देने, तब बताऊँगा कैसे चेक होते हैं। तो ये हो गया। तो ये करना क्या चाहिए कि उनको जो पॉइंट्स हैं देखिए सबकी रहेगी, वो पॉइंट्स इंग्लिश में लर्न करना शुरू करें इंग्लिश में। कारण क्या है कि ये मैं बाद में भी बताऊंगा, अगर आप पॉइंट्स इंग्लिश में लिखते हो, सिर्फ पॉइंट्स इंग्लिश में लिखिए, फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटेलिजेंस की ही यही थ्योरी थी, और आपके 9 पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर, 9 पॉइंट में आपने पहला लिखा बॉडी किनेस्थेटिक, यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम बचा लूंगा, बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, और बाद में अपने हिंदी भाषा में इधर लिखने पड़े, ये वो बुद्धि है जो बॉडी की हरकतों मूवमेंट को समझने में हमारी हेल्प करती है, ये लिख दिया। तो यहाँ पर पॉइंट आपका सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी आप उसमें लिख रहे हैं। कोटेशन आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ऐसे कोई है तो क्या होता है कि जितने भी एग्जामिनर हैं वो मोस्टली यूजीसी नेट करके आए हैं, पंजाबी हिंदी में किसी ने नहीं किया, वो इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ के आए हैं, वो आपको पढ़ाते हैं मोस्टली इंग्लिश वाली बुक्स में। हाँ, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के टीचर एजुकेटर कुछ ऐसे हैं जो पंजाबी में पढ़े, पंजाबी में वगैरह वगैरह, वो सोच सकते हैं। तो अच्छा, उन टीचर के पास जो पंजाबी में पढ़े हैं, पंजाबी में पढ़ाते हैं, तो उन टीचर के पास यूजीसी नेट नॉर्मली उनका नहीं क्लियर होता, बहुत कम होंगे, होगा भी किसी का, तो वो जब इंग्लिश देखते हैं तो इंग्लिश का एक प्रभाव ज्यादा है, वो हाई मार्क्स दे देते हैं उसको, ठीक। दूसरा, जो इंग्लिश वाले हैं वो पंजाबी हिंदी को पढ़ते ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम पढ़ते हैं, वो पॉइंट्स देखते हैं आपको मार्क्स दे देते हैं कि इंग्लिश में लिखा, आपने उनको फैसिलिटेट कर दिया, वो यहां भी इंग्लिश बेटर रही, तो कोटेशन दे सकते हो आप, डेफिनेशन इंग्लिश में, हाँ डेफिनेशन जरूर इंग्लिश में दे सकते हो, जो ये उनके लिए सुजेशन है जो पूरा डर रहे हैं। तो मिनिमम हिंदी और इंग्लिश वालों, पंजाबी वालों को भी हेडिंग जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो है तीन चीज़ें, पॉइंट्स, डेफिनेशन और कोटेशन, ये कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में दे देनी चाहिए। इससे क्या कारण क्या मैं तो बताया कि मार्क्स बढ़ते हैं, एग्जामिनर फैसिलिटेट होता है, बुक्स मैटर ज़्यादा मिल जाता है, इंटरनेट से जल्दी ज़्यादा कोटेशन वगैरह जो भी मैटर आपका मिल जाता है, वैसे यहाँ प्रोवाइड करूँगा। तो दैट इज़ वाई क्या कंक्लूजन है, प्रेफर इंग्लिश। दूसरा, अगर आप ट्रांजिशन पीरियड में हैं कि यार कर लूँ शिफ्ट या ना, फिर पक्का करके देखिए, ट्राई आउट कीजिए। तीसरा, जो डर रहे हैं उनको मिनिमम पॉइंट्स, डेफिनेशन एंड कोटेशंस इंग्लिश में देनी चाहिए। हाँ, आपने फॉरेन जाना है तो आप फिल कर सकते हो इंग्लिश, बाकी अपने टीचर से पूछ लीजिए, मेरे ख्याल में इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं होगी, इस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि वो इंग्लिश वर्ड कहाँ से उठाया जाता है। मेरे अब तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक वो आपके फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि मैंने इंग्लिश मीडियम लेना है, वहाँ से लिए जाते हैं पेपर आप। हाँ, जब आपकी वेरिफिकेशन होती है, वे ये हो सकता है कि आपने वो कोई आपका केस बन गया है कि आपका मीडियम गलत लिखा आ गया है, तो फिर आप अप्लाई करते हो, फिर वेरिफिकेशन होती है आपने फॉर्म में क्या फिल किया था, और आपके एग्ज़ाम पेपर निकाले जाते हैं। इस केस, ऐसे केस में आपको इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो लिख के देते हैं। इसके बारे में और कोई जानकारी मिली आपको ज़रूर दे दूंगा। थैंक यू।